हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर, जिसमें हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी लेवल्स क्लियर हो जाए। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अपडेट है। हम लोगों ने यहाँ पे कल के एनालिसिस में देखा था महिंद्रा एंड महिंद्रा को, हम लोगों ने आपको सेलेक्ट किया था यहाँ पे बाई करने के लिए। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियरली मैंने आपको बताया था 907 के ऊपर निकलते ही आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए। नीचे की साइड हम लोगों का स्टॉप लॉस जो है 895 का होने वाला था। अगर आज देखेंगे तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा में बहुत ही जबरदस्त जो है आपको अपसाइड मोमेंटम हुआ है। 941 के अराउंड का आपको हाई लगाया है और सेकेंड सेशन में ऑलमोस्ट आपको इसी लेवल पे एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है। वापस से इस स्टॉक में एक बार फिर से तेजी आ सकती है। आज का हम लोगों का टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है, जो हम लोगों का 1:2 का टारगेट था। लेकिन वापस से यहाँ पे अगर देखेंगे 930 के अराउंड एक बार रिट्रेसमेंट होने के बाद वापस से आपको यहाँ पे एक अच्छा तेजी कंटिन्यू हो सकता है। रीजन क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में चलेंगे तो क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त अपमूव दिया है। 900 के लेवल के ऊपर आपको पहले ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद दो दिन आपको यहाँ पे हॉल्ट किया है, हॉल्ट करने के बाद आज वापस से प्रीवियस टू ट्रेडिंग सेशन के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो इस स्टॉक में अभी जो है आपको यहाँ पे जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। और सभी के सभी ऑटो स्टॉक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, सभी में जो है एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट दो स्टॉक्स के ऊपर। पहला स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस के अगर डेली चार्ट में चलेंगे सबसे पहले तो रिलायंस ने अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज दिया है। क्लोजिंग बेसिस पे ऑल टाइम हाई है, 2800 का हाई लगा के आपको क्लोजिंग दिया है 2788 के राउंड। तो स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त तेजी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे बहुत ही अच्छा अपमूव हुआ, पहले वापस से रिट्रेसमेंट हुआ और अभी जो है यहाँ पे अगर देखेंगे तो अपने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। इससे पहले भी अगर पैटर्न देखेंगे ऑलमोस्ट इसी काइंड का, सिमिलर काइंड का पैटर्न जो है यहाँ पे आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है। और क्लियरली जो है हम लोग अगर वीकली चार्ट पे भी देखेंगे तो स्टॉक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है। 2750 के ऊपर वीकली कैंडल में क्लोज दिया था, उसके ऊपर ही कंटिन्यूअसली यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक में जो है कंटिन्यूअसली यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एंट्री हम लोगों को कहाँ पे लेना है, तो सबसे पहले एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे इमीडिएटली एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि आज भी अगर देखेंगे 2720 के राउंड से आपको कंटिन्यूअसली वन वे मूवमेंट हुआ है। ऑलमोस्ट जो है मोर देन 3% का यहाँ पे मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला है। एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे पेंडिंग हो सकता है, 2750 तक रिट्रेस कर सकता है स्टॉक। उसके बाद अगर रिट्रेस करने के बाद 2800 के लेवल के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज देता है तो फिर हम लोग क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। हम लोगों का नीचे की साइड स्टॉप लॉस होगा 2750 का। पहला टारगेट यहाँ पे 2850 का होगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे 2900 का होगा। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ये आपको इंट्राडे के लिए नहीं होगा, ये आपको एक से दो दिन या इवन तीन दिन के लिए होल्ड करना पड़ सकता है। बाई पोजिशन है, आप लोग कैश में चाहे तो होल्ड कर सकते हैं या फिर ऑप्शन या फ्यूचर के थ्रू भी आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें टाइटन, टाइटन के स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त तेजी हम लोगों को वापस से नीचे के लेवल से देखने को मिल रहा है। एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन लेवल यहां पे स्टॉक ने ब्रेक किया है। अगर हम लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे तो पूरा का पूरा अप्रैल मंथ में जो है आपको अप्रोक्सीमेट इसी लेवल के अराउंड 2550 के लेवल के अराउंड ऊपर, इसके ऊपर जो है क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। नीचे की साइड आपको 2440 इस लेवल में कंटिन्यूसली जो है स्टॉक यहाँ पे आपको ऑसिलेट कर रहा था, इसी लेवल में आपको यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। एक बार फिर से 2551 के ऊपर स्टॉक ने क्लोज दे दिया है। तो इस स्टॉक में भी जो है आने वाले दिनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग वीकली चार्ट में भी यहाँ पे देखेंगे तो क्लियरली दिख रहा है एक अच्छे डाउनफॉल के बाद प्रीवियस वीक में यहाँ पे हम लोगों को एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था और अभी इस वीक में 2500 के ऊपर कंटिन्यूसली स्टॉक जो है आपको सस्टेन कर रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्लियरली इस स्टॉक में भी बहुत अच्छा मोमेंटम आज के टाइम में भी हुआ है, आज के सेशन में भी यहाँ पे हुआ है। इस स्टॉक में भी हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, क्योंकि स्टॉक आज बहुत ही अच्छा एक रैली किया है। 2525 के लेवल तक अगर स्टॉक यहाँ पे रिट्रेस बैक करता है और रिट्रेस बैक होने के बाद यहाँ पे अगर आपको कोई भी एक बाइंग साइन मिलता है, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिलता है या फिर आपको लोअर वीक रिजेक्शन मिलता है तो फिर हम लोग यहाँ पे बाई करने के लिए देखेंगे। स्टॉप लॉस नीचे की साइड हम लोगों का 2475 का होने वाला है।
50 पॉइंट का यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस आपको होने वाला है। ऊपर की साइड अगर हम लोग देखेंगे, पहला टारगेट हम लोगों का होने वाला है 2575 का, उसके ऊपर अगर निकलेगा तो फिर हम लोगों का दूसरा टारगेट जो है 2625 का होने वाला है। स्टॉक में जो है आज बहुत अच्छा रैली दे चुका है, इसलिए आपको यहाँ पे क्लियरली इस चीज का ध्यान रखना है, जो रिट्रेसमेंट के बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री करना है, क्योंकि अगर आप इस करेंट मार्केट प्राइस पे एंट्री करते हैं यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा है, 75 पॉइंट का रिस्क है, और यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट होगा तो फिर आपके M2M में यहाँ पे लॉस जैसे ही रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगा, आप यहाँ पे जो है अपना पेशेंस लेवल होना स्टार्ट कर देंगे। तो बेटर है यहाँ पे एक बार के लिए रिट्रेस बैक होने दीजिए, जैसा कि आज के लिए हम लोगों ने टाटा स्टील के केस में याद होगा हम लोगों ने आपको बताया था रिट्रेसमेंट होने के बाद ही एंट्री लेना है। आज अगर जाके देखेंगे टाटा स्टील का चार्ट तो पूरा का पूरा दिन जो है वो आपको साइडवेज रहा, ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ। तो सेम इसीलिए जो है या तो यहाँ पे आपको मोमेंटम नहीं करेगा, इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा, या फिर आपको रिट्रेसमेंट करेगा। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर 2550 के ऊपर निकलता है, 2525 के अराउंड अगर आपको यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट मिलता है रिट्रेसमेंट होने के बाद, तो यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हैं, या फिर अगर 2550 के ऊपर आपको एंट्री पॉइंट मिलता है तो यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके 2500 के नीचे रखना होगा। तो दोनों ही केस में आपका स्टॉप लॉस जो है वो 50 पॉइंट का होने वाला है, लेकिन याद रहे आपको रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।